अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वैली। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन को भी लाजमी तैयार करें ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से पास करे। टाइम वक्त ज़ाया किए बगैर हम शॉर्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ प्रॉब्लम एनालिसिस? सपोज अ प्रॉब्लम हैव अ मल्टी एल्गोरिथम, व्हाट यू चूज टू most efficient one, explain your answer. How does strategy gain background knowledge is helpful in defining a problem? What is graph picture strategy? What is flow chart? What is meant by program? What is problem analysis? What do you mean by acted out strategy? Define candidate solution. Define an algorithm and argue its role and importance in problem solving. Describe the importance of flow chart. स्टूडेंट, फ्लो चार्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस फ्लो चार्ट के और एल्गोरिथम की बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम? हाउ डू यू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट? व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? राइट द नेम ऑफ फाइव स्टेप्स। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू डिफाइन अ प्रॉब्लम? व्हाट इज टर्मिनल? डिफाइन ड्रा अ फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। How flowcharts are helpful in problem solving? For which decision symbol is used? Or describe input output symbol front? इसमें symbols को मैंने explain किया हुआ, क्योंकि ये long में भी आ जाते होते हैं, इस वजह से मैंने short में इसको काफ़ी हद तक डाला है। Describe the use of flow lines. तो chapter number 1 के थोड़े ज़्यादा सवाल आते हैं, इसके बाद chapter number 2 के आपको बताता हूँ। तो chapter number 2 में what is डेसिमल नंबर सिस्टम, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल, इसमें स्टूडेंट मोस्टली डिफरेंस आता है। दरमियान में लाइन लगा के लिखिएगा। व्हाट इज ए ASCII कोड भी बोलते हैं, ASCII कोड भी इसको बोलते हैं। डिफाइन स्टोरेज डिवाइसेस, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी नंबर सिस्टम? और इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल। डिफाइन रैम, स्टूडेंट क्वेश्चन रैम और रोम भी आ जाता है, रीड ओनली मेमोरी भी आ जाता है, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल भी आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिकल ऑपरेटर? डिफाइन एंड ऑपरेटर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड टेम्परेरी स्टोरेज? डिफाइन और ऑपरेटर। व्हाट इज द लॉ यूज ऑफ लॉ बूलियन अलजेब्रा? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइसेस? डिफाइन ट्रुथ टेबल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए डॉट बी। स्टूडेंट है ये थोड़ा सा रिटर्न मिस्टेक हुई है, तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से अगर आपने मिस कर दिए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट, डिफाइन कम्युनिकेशन चैनल, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल शेयरिंग? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन? डिफाइन सर्वर। डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन, राइट द मेन कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम? व्हाट इज सेंडर? हु इज रिसीवर? What do you mean by networks of a network? या फिर what do you mean by internet? Very important question. Internet. What do you mean by FTP, HTTP और IP address? Student, FTP का मतलब file transfer protocol होता है। Four benefit of networking. Give some example of sharing of resources. Chapter number 4. What are the types of software piracy? Online piracy. Soft lifting. Or define client server over. What do you mean by data piracy? Write down the name of some important data security uses. What do you mean by confidentiality and piracy? Privacy. Privacy और piracy में student थोड़ा सा difference है, तो इसको ख्याल रखें आप। Software piracy है password and cryptographic keys. What do you mean by identity theft? Patent, copyright law. ये कुछ स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 के हैं। चैप्टर नंबर 5 में से इम्पॉर्टेंट मोस्टली MCQs ही आते हैं। इसके अलावा अगर उसके इम्पॉर्टेंट में आपको शॉर्ट जबानी बता दूं, तो वो ये है कि आपसे वो एच यानी कि आपका जो है वेब के बारे में थोड़ा सा पूछ लेगा, टेबल्स के बारे में, रोज के बारे में पूछ लेगा। पहले पेज में से एक दो क्वेश्चंस आने हैं, बस डेफिनेशन आएंगे, उनको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको MCQs इंशाल्लाह अगली वीडियो में और आज ही अपलोड कर दिए जाएंगे।